हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके बारे में पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो यहाँ से सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन क्या है। तो इसके लिए एक हम रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ए एक से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जहां पर ए का एन मोल जो है वो एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखे तो क्या हमको मिलेगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, वेयर एन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म, और एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट का। तो यहां से ये पहले हम चीज जानते हैं, और दूसरा हम क्या जानते हैं, रेट दूसरा हम लोग फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करें तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डीटी। अभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों ही को ही एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, लेकिन वैल्यू तो सेम होगा, तो दोनों इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर वी कैन राइट नेगेटिव डी ऑफ ए बाय डीटी, नेगेटिव डी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए by dt is equal to k into concentration of a to the power n। अब ये जो फॉर्म आया, यहां से ये जो फॉर्म आया, यही हुआ मेरा इंटीग्रेटेड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, दैट मींस आप यहां देखिए, जो रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, उसका एन मोल जो है वो एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये लिखेंगे, और अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन होगा। अगर दोनों को इक्वेट कर दे तो मेरा ये एक नया फॉर्म आया, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वेरियस वेज से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल्स होता है, आप मैथ्स में देखे होंगे, कोई न्यूमेरिकल्स होता है उसके बनाने के लिए का तरीका वेरियस होता है, लेकिन उसका आंसर एक ही होता है। तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सबका वैल्यू एक ही होगा। तो यहां पर इसका वैल्यू जो आया है, यहां पर भी एक होगा, इसका वैल्यू जो आया है एक होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो नया फॉर्म आ गया इंटीग्रेटेड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप यहां से देख सकते हो। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ गए हैं कि इंटीग्रेटेड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में उसी इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन से प्रोसीड करेंगे। लेट अस सी कैसे क्या होता है। तो यहां पर हमने देखा कि जो मेरा रिएक्शन था ए टू प्रोडक्ट, ठीक है, जहां पर इंटीग्रेटेड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने कुछ इस हिसाब से लिखा था,
ठीक है, जहां पर एन क्या बता रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर करें, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू जीरो होगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हियर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे एग्जांपल दूंगा कि यह कैसे होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम यहां पर n इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव d कंसेंट्रेशन ऑफ a बाई डी टी इज इक्वल टू ए के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, दैट इज समथिंग टू द पावर जीरो वन होता है, तो यहां पर वन दैट इज के, तो यहां से नेगेटिव डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, तो यहां पर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके साथ बराबर है, वो बराबर है रेट कांस्टेंट के। के क्या है यहां पे, रेट कांस्टेंट है, हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, जहां पर ये दिख रहा है आपको। दैट मीन्स हियर द रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on concentration of reactant। That means जैसे जैसे reaction proceed होगा, जैसे जैसे reaction proceed होगा वैसे वैसे concentration of reactant decrease होगा, लेकिन rate एक ही हो जाएगा। थोड़ा ये डिफिकल्ट है बिलीव करना, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा रिएक्टेंट का, लेकिन रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट होगा। अगर हम उसको ग्राफिकली समझना चाहें, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन और इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां से इस हिसाब से ग्राफ होगा। दैट मीन्स यहां रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स यहां रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है, जहां पर यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। ये तो हमने समझा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहां पर जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया कि नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ए डी और यहां से डी टी इक्वल टू के, ठीक है। अगर यहां लिखते हैं हम टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ए जीरो, और एट टाइम टी इक्वल टू टी में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, तो ए हो गया। ऑब्वियसली यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो जो होगा इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पुटिंग द बाउंड्रीज, तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इंटीग्रेटिंग साइन लगाना पड़ेगा,
डी ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के। अब किसके रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डी टी डी टी कट जाएगा। ओके, तो यहां से क्या हमको मिलेगा, नेगेटिव डी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई इंटीग्रेशन, के बाहर निकाल देंगे, के रेट कांस्टेंट है, टाइम। अब यहां पर टाइम टी इक्वल टू जीरो में इनिशियल कंसेंट्रेशन ए जीरो था, और एट टाइम टी इक्वल टू टी में इनिशियल जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो ए हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये सारे बाउंड्रीज हैं, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, और पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन ए होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए जीरो और फाइनल कंसेंट्रेशन ए है, और यहां पर के इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, यहां पर टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी में है, अगर हम बाउंड्री बैठाते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस लोअर लिमिट ए जीरो, और यहां से भी के टी माइनस जीरो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो क्या आएगा यहां पर, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए प्लस ए जीरो इक्वल टू, अब यहां पर वेरिएबल पैरामीटर कौन कौन सा है, ए वेरिएबल है और टी वेरिएबल है, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये फिक्स रहेगा, लेकिन ये टाइम टू टाइम कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होगा, तो हम उसी हिसाब से इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। तो यहां से हो गया के टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए, ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, जहां पर वेरिएबल कौन है, ये वेरिएबल है, ये टाइम टू टाइम चेंज होगा, टाइम और कंसेंट्रेशन ऑफ ए वेरिएबल, इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का फिक्स रहता है, तो यहां से अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में सेट करते हैं तो ये हो गया मेरा वाई, ये हो गया इंटरसेप्ट सी, और यहां से हो गया एम एक्स, तो यहां से एम क्या है, यहां से एम है मेरा रेट कांस्टेंट, तो यहां पर अगर हम इसका प्लॉट करते हैं तो रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा, टोटल प्रोसेस आप इतना नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम लोग ग्राफ करते हैं। अगर इधर मैं टी लिखता हूं टाइम, और इधर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां से हमको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, तो नेगेटिव स्लोप मिलेगा ऐसे करके, जहां से ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा क्या रहेगा, इंटरसेप्ट रहेगा, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में मेरा इंटरसेप्ट रहेगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और स्लोप जो है, स्लोप से हमको क्या मिलेगा, माइनस के, रेट कांस्टेंट स्लोप से मिल जाएगा, दैट मींस फ्रॉम इंटरसेप्ट वी गेट द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फ्रॉम स्लोप ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और फ्रॉम स्लोप हमको क्या मिलेगा, के मिला, दैट इज क्या मिला, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फिक्स रहता है, तो आप इतना इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि हाफ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये मैं मिटा रहा हूं।
आप इसको देख लीजिए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया, हमारे पास इक्वेशन आया ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंजिंग करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए और t इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए बाई के। ठीक है, तो यहां से हम लोग दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हाफ लाइफ टाइम और एक रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंड ऑफ द रिएक्शन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू ए जीरो बाई के, यानी ये टाइम जो है ये कंप्लीशन, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्या आया, ये इट इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, उसके पहले हम लोग समझ ले कि हाफ लाइफ टाइम क्या है। तो ये है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स द टाइम एट विच 50% ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। ठीक है, तो अगर हम हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग यहीं पे कैसे लॉजिक लगाएंगे हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, अगर मैं यहां लिखता हूं टाइम और इधर लिखता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या मिलेगा, यहां टाइम टी इक्वल टू जीरो में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जीरो है, लेकिन एट टाइम टी इक्वल टू टी हाफ, यहां पर हाफ लाइफ टाइम को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, टी हाफ। तो एट टाइम टी इक्वल टू टी हाफ में कंसेंट्रेशन क्या हो जाना चाहिए, ए जीरो बाई टू। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में ये सारे वैल्यू बैठाते हैं तो हमको हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन नंबर वन बोलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या लिख सकते हैं, टी के जगह टी हाफ लिखेंगे, टी के जगह टी हाफ, एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको लिखेंगे ए जीरो बाई टू। तो क्या वैल्यू हमको मिलेगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए जीरो बाई टू बाई के। तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ, तो यहां पर हाफ बाई टू के, यहां से टी हाफ। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो है टी हाफ जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो यहां से ये हमारा ये आ गया। अगर हम इसका ग्राफ करें तो हमको वेरिएशन मिलेगा। लेट अस सी द ग्राफ, ये मैं मिटा रहा हूं।
तो यहां से ये टी हाफ और इधर हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या मिलेगा? डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन हमारा स्लोप जो आएगा यहां पर, स्लोप से हमको क्या वैल्यू मिलेगा? 1/2 के ये वैल्यू हमको मिलेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ, आपको समझने में सुविधा होगा। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ से टी हाफ इज इक्वल टू के, सॉरी ए जीरो इंटू ए बाय टू के, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन हो रहा है? टी आप डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो ये मेरा वाई, ये एक्स और ये एम, तो ये मेरा स्लोप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो, आप देख लो यहाँ से, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समराइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसका रेट वो हम लोग अभी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि क्या हमने देखा। फिलहाल हमने देखा कि के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए बाई टी, या अगर आप यहाँ टी लिखते हैं तो यहाँ के लिखना पड़ेगा, यहाँ टी लिख दीजिए, ये समझ में आया एक इक्वेशन। दूसरा टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू के, ये समझ में आया। और टाइम फॉर टोटल कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या आया? ए जीरो बाई के तीन। और हमने देखा क्या कि ग्राफिकली क्या क्या देखा कि अगर हम रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और रेट लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ इंडिपेंडेंट है, ये देखा। और क्या देखा? यहां से अगर हम टी हाफ का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमने क्या देखा? पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है, ओके। और हमने क्या देखा? कि जो यहां टाइम है और यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है डिक्रीज होगा, जहां से स्लोप से हमको रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, और यहां से इंटरसेप्ट मिलेगा, यहां से यहां तक जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट से हमको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिलेगा। ये सारी चीजें हमने देखा, आप इतना नोट डाउन कर लो। अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, पहला एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ऑन प्लैटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहां से जो है हीट करेंगे ऑन प्लैटिनम कैटलिस्ट के ऊपर हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर, तो यहां से N2 और H2 मिलेगा। बैलेंस करेंगे, यहां पे हाफ N2 बैठा दो और यहां पर 3/2 H2 बैठा दो, तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब इसके डिकम्पोजिशन को हम समझते हैं। हेयर अमोनिया गैस गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द
प्लैटिनम सरफेस एट सर्टेन ऑप्टिमम प्रेशर, सर्टेन ऑप्टिमम हाई प्रेशर. एंड व्हेन हीटेड वी गेट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इसको हम लोग ऐसे करके समझेंगे कि अमोनिया गैस जो है वो प्लैटिनम सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लिया है. एक सर्टेन हाई प्रेशर पर जब अमोनिया गैस को प्लैटिनम सरफेस पर पास कराएंगे तो अमोनिया गैस प्लैटिनम सरफेस को पूरी तरह से कवर कर लेगा और उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा. अब उस प्लैटिनम सरफेस को जब हम गर्म करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरा प्लैटिनम का सरफेस अमोनिया गैस से पूरी तरह से एडजॉर्ब है, अगर उसके ऊपर और हम हाई प्रेशर देके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देकर अगर हम उसमें और अमोनिया गैस एडजॉर्ब कराना चाहते हैं कि मेरा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले, तो वो और अमोनिया गैस एडजॉर्ब नहीं होगा. यानी आप देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन का जो रेट है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? अमोनिया. और अमोनिया पूरी तरह से प्लैटिनम सरफेस पर कवर्ड है, प्लैटिनम सरफेस को पूरी तरह से कवर्ड कर चुका है, पूरी तरह से एडजॉर्ब हो चुका है, और हम उसमें और प्रेशर देंगे तो और अमोनिया गैस उस पर एडजॉर्ब नहीं हो रहा है. यानी एक सर्टेन प्रेशर के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो इंक्रीज नहीं होगा. हम इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन वो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि प्लैटिनम सरफेस को पूरी तरह से अमोनिया एक सर्टेन प्रेशर पर एडजॉर्ब कर चुका है. अब उस पर हम और प्रेशर देकर अमोनिया गैस को और एडजॉर्ब कराना चाहते हैं तो अमोनिया गैस और एडजॉर्ब नहीं होगा. बात समझ में आ गई? दैट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं एट हाई प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन माने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर जीरो. क्योंकि और तो अमोनिया गैस उस प्लैटिनम सरफेस पर चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ाएं एडजॉर्ब नहीं होगा. दैट मीन्स यहां से ये हो गया, तो क्या हो गया, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया. सो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम केस में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. यहाँ पर फिलहाल के लिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो आपको समझ में आ रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है. दैट मीन्स वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि हाँ भैया एक सर्टेन प्रेशर के बाद और अमोनिया उस पर एडजॉर्ब नहीं होगा और एज ए रिजल्ट वहाँ पर जो है एक सर्टेन प्रेशर के बाद अमोनिया का कंसेंट्रेशन जो है वो फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, इसीलिए अमोनिया के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. लेकिन देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जहाँ पर क्या होता है रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं और जहाँ पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे होता है. ठीक है, कुछ कुछ जो रहते हैं जहाँ पर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है वहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेप्स स्टेबल होते हैं और वो इंटरमीडिएट स्टेप्स को ही देख के जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है. और चूंकि इंटरमीडिएट स्टेप का जो कन्फिग्रेशन होता है वो रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए एक टाइम के लिए लगता है कि जो रिएक्टेंट है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है. यानी जो प्रोडक्ट आया है उसको लगेगा कि मेरा जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंटरमीडिएट से हुआ है, वहाँ पर उसको रिएक्टेंट का कोई फिगर नहीं दिखेगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगा, इसीलिए वो समझेगा कि मेरा फॉर्मेशन जो है वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ना होकर इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में हुआ है, इसीलिए वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं. ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे हो गया जहाँ पर मैंने बोला
सेकेंड एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड कैटलिस्ट। तो यहां से हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो गोल्ड सरफेस पर डिकम्पोज होगा। यहां पर गोल्ड क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो यहां से अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्म होगा, इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में यहां पर जीरो होगा यहां से। तो यहां से हम लोग के लिख सकते हैं, यहां पर ये रिएक्शन ऐसे होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो गोल्ड सरफेस पर हीट करने से, ऑब्वियसली यहां हीट करना पड़ेगा, यहां से एक इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट। भैया वेरी फास्ट स्टेप, और उसके बाद ये इंटरमीडिएट जो है स्लो स्टेप से प्रोडक्ट फॉर्म होगा करेगा हाइड्रोजन और आयोडीन अकॉर्डिंगली। तो यहां से ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो अपना एग्जिस्टेंस किससे देखेगा, इंटरमीडिएट से, क्योंकि इंटरमीडिएट यहां पर स्टेबल है। यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत फास्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट स्लोली स्लोली रिएक्टेंट बना रहा है। तो अगर रिएक्टेंट सोचेगा कि मेरा फॉर्मेशन कहां हुआ है तो वो इसको देखेगा, ठीक है, टेक्निकली हम अगर समझने की कोशिश करें तो, ठीक है। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर जो इंटरमीडिएट है उसका ज्योमेट्री और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। हो सके यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हुआ, एसोसिएट हो गया है यहां पर, कुछ ऐसा ज्योमेट्री बनाया है जो टोटली डिफरेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड की तुलना में। इसीलिए यहां पर अगर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो अपना फॉर्मेशन कहां से देखेगा, इंटरमीडिएट से देगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्लोली स्लोली इसको फॉर्म कर रहा है। इसीलिए यहां पर के केस में रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो जीरो होगा। समझ में आई बात, डिफरेंट ज्योमेट्री एज वेल एज डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। ये आपको समझ में आ गया, ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन है द रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू चेंज द इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.10 मोलर टू 0.075 मोलर। तो यहां से क्या दिया है,
रेट कांस्टेंट दिया है 0.0030 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ओके। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.10 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 0.075 मोलर। क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से वी नो फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए बाय के। तो ए जीरो कितना है 0.10 माइनस 0.075 बाय 0.0030 और यहां पर यूनिट हो जाएगा सेकंड। कितना वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट करिए, तो यहां पर आ जाएगा 8.33 सेकंड, ओके। नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन लिया, बहुत सारे इक्वेशंस देखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशंस देखा और बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी देखें। उन सारे चीज़ों को आप मेमोराइज करके रखिए, वो सारे चीज़ आपके नीट के एग्ज़ाम में, एम्स के एग्ज़ाम में और IIT JEE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है और उस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।